गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 9 में एक नया चैप्टर जो कि हीरोन का सूत्र है उसके बारे में आपसे बात करेंगे और जो है इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है उसके मैं आपसे क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा। अभी देखिए जो हीरोन सूत्र है, हीरोन का जो फॉर्मूला है, ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हैं और ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी देखिए अगर समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल हम लोग उसकी ऊंचाई और आधार पता है तो हम लोग जो है 1/2 बड़े आधार बड़े ऊंचाई करके उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन हीरोन का जो फॉर्मूला है, हीरोन का जो सूत्र है उसका प्रयोग हम जो है कब करते हैं और किस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मैं बता दूँ कि ऐसा कोई भी त्रिभुज हो जिसका ऊंचाई ज्ञात करना थोड़ा सा आसान न हो या कठिन काम हो, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन साहब ने एक फार्मूला दिया जिसको उन्हीं के नाम पर हीरोन फार्मूला के नाम से जाना जाता है, उसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। देखिए हीरोन साहब ने बताया था कि कोई एक त्रिभुज हो, मान लेते हैं त्रिभुज ये है ए बी सी, जिसकी जो ऊंचाई है उसको हम आसानी से मान लीजिए कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं कर पा रहे हैं, उस स्थिति में मान लेते हैं इसकी जो साइड है वो ए है, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, यानी इसकी जो भुजाएं हैं वो क्रमशः स्मॉल ए बी और सी है। ठीक, तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन ने जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला दिया था वो यही दिया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। और फिर उन्होंने बताया कि जहां पर यस, जहां यस क्या है, जहां यस अर्थ परिमाप है, अर्थ परिमाप है, यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि यस परिमाप क्या हो जाएगा सभी भुजाओं का योगफल ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन अर्ध परिमाप की बात करेगा इसका मतलब अपान टू कर देंगे। ठीक है, ये है फॉर्मूला जो है। और एक बार बता दूं और क्या है, ए क्या है, ए बी सी इस त्रिभुज की क्रमशः भुजाएं हैं, यही फॉर्मूला है हीरोज का जो हीरोज के द्वारा दिया गया था, इसी सूत्र को हम हीरोज के सूत्र के नाम से जानते हैं। अब इसी की सहायता से हम कुछ क्वेश्चंस अभी एक्सरसाइज से लेंगे, उसको हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आइए एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चन वहाँ से लेते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए आपका 12.1 एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है कि एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, उस संकेत बोर्ड पर क्या लिखा है कि आगे स्कूल है और यह भुजा ए वाले एक संभाव त्रिभुज के आकार का है, यानी जो बोर्ड लगा है वो एक संभाव त्रिभुज के आकार का है जो कि जिसकी भुजा जो है ए है। ठीक है, आगे फिर से बोल रहा है हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा यही हमें पता करना है। एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन को आप एक बार फिर से अपने बुक में देख लीजिएगा उसका सोल्यूशन कैसे देते हैं, आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए जो संकेत बोर्ड है वो एक संभाव त्रिभुज के आकार का है, कैसा है, एक संभाव त्रिभुज के आकार का है, संभाव त्रिभुज मतलब कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है और जो भुजाएं हैं वो कितना है वो आपको दिया है कि वो सब भुजाएं ए है, उसके बाद दिया इसका परिमाप दिया है, संकेत बोर्ड का परिमाप आपको दिया हुआ है, क्या दिया है परिमाप, परिमाप कितना दिया है आपको दिया है कि 180 सेंटीमीटर के बराबर इसका परिमाप दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ध्यान दीजिए हम हीरोन फार्मूला तभी अप्लाई कर पाएंगे जब इसकी सभी भुजाएं हमको मालूम हो, तो यहाँ पे भुजाएं मालूम तो हैं, कितनी हैं,
भुजाएं सब जगह ए हैं और ए भुजा जो है तीनों भुजाएं ए ए ए हैं, ठीक। तो ए की वैल्यू हम परिमाप की हद से निकालेंगे। आप देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए क्योंकि भुजा कितनी है, भुजा बराबर ए और परिमाप कितना है, परिमाप बराबर दिया है 180 सेंटीमीटर। तो परिमाप के लिए त्रिभुज का परिमाप अगर यहाँ की बात करें, इस त्रिभुज की बात करें तो परिमाप यही होगा ना, परिमाप क्या हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए बराबर 180 सेंटीमीटर, यही होगा। क्योंकि एक भुजा जो है ए है, परिमाप तीनों भुजाओं का योगफल सब ए ए है, ये हो गया। अब देखिए 1A 2A 3A की वैल्यू कितनी आ गई, 180 सेंटीमीटर। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3A 3 3 6 18 कितना गया, 60 सेंटीमीटर आ गया। पहले मतलब पहली भुजा भी 60 है, दूसरी भी भुजा 60 है और तीसरी भुजा भी 60 होगी, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको यस निकालना है, सेमी पेरीमीटर। तो यस क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू हो जाएगा परिमाप, परिमाप जो कि दिया हुआ कितना बटे दो, परिमाप कितना है, परिमाप 180 है, बटे दो कर देंगे काटेंगे कितना आएगा 90 सेंटीमीटर, यस की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से क्या करेंगे, हम हीरोन का फार्मूला यूज करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यही हो जाएगा अंडर रूट यस। यस कितना है, यस देखिए यहाँ पे 90 है, कितना है 90, यस 90 रख दिए, इंटू 90 माइनस ए मतलब अर्थफल यस माइनस ए, यस 90 है, ए कितना है, ए आपको पता है कि सभी भुजाएं ए जो है 60 है, इसमें क्या करेंगे हम 60 से जो है माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद 90 माइनस बी, बी भी 60 है, तीसरा जो है 90 माइनस सी, और सी क्या है, ए भी 60 है सेंटीमीटर, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ रहा है, उनका क्षेत्रफल मिलने जा रहा है अंडर रूट 90 मल्टीप्लाई 90 माइनस 60 आपको मिलेगा 30, फिर से देखिए यहाँ पर पाँच बुढ़े पाँच, 71 क्या बचा है,
सर 0 8 10 का 0 1 सात एक आठ नौ 900 आ गया, यानी कितना आ गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, फिसल पट्टी में स्लाइड करने वाला, ठीक है, जिसमें बच्चे ऊपर से बैठ के सरकते हैं, उनको अच्छा लगता है, उस जगह को फिसल पट्टी बोलते हैं। बनी हुई है, इसका पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार की पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ, यानी कि जो फिसल पट्टी है वो आपके बुक में यहाँ पे बना हुआ है, आप उसको बुक में देखिएगा तो उस पर लिखा हुआ है कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। ठीक, तो कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ है, इसकी दीवार की बीमाई 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जो आपका यहाँ पे फिसल पट्टी आप बुक में देख पा रहे होंगे जो है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो वो इस तरह से बन जो है बना हुआ है फिसल पट्टी ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है ऐसा कुछ, तो इस पर लिखा है पार्क को हरा भरा और स्वच्छ रखिए, इस तरह से बना हुआ है। इसमें दिया है इसकी एक 11 मीटर है और ये 15 मीटर है और ये जो है 6 मीटर है 6 मीटर, तो कह रहा है कि ये जो कलर किया हुआ रंग हुआ जो किया गया जो पेंट किया गया जो पार्ट है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये बेटा देखिए ये आसान सा क्वेश्चन, इसका जवाब है हम जो है त्रिभुजाकार है और त्रिभुज की भुजाएं सभी हमको पता है, यहाँ पे जब त्रिभुज की भुजाएं हमको मालूम है तो जाहिर सी बात हम आसानी से इसमें जो है हीरोन्स का फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मान लेते हैं माना पहली भुजा है ए बराबर 11, दूसरी भुजा बी बराबर 15 और तीसरी भुजा सी बराबर 6 मीटर है, सब मीटर में है, 2 मीटर दी गई है। उसके बाद अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें हीरोन्स का फार्मूला यूज करने के लिए यस चाहिए होता है, सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है, सेमी पेरीमीटर यानी कि आठ ऊपर माप, तो यस निकाल लेते हैं, यहाँ पर यस क्या आ जाएगा, यस यही आएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो यहाँ पे ए है 11 प्लस 15 प्लस 6 बटे 2, 15 यानी 6/12 आ जाएगा 32, 32 बटे 2 काटेंगे तो कितना आएगा 16 सेंटीमीटर, यस की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, हीरोन्स का फार्मूला प्रयोग करेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से प्रयोग करेंगे, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या आ जाएगा, यही बता रहा ना, यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, यही होता है। तो यहाँ पर हमको किसका क्षेत्रफल निकालना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसलिए रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा √, देखिए यस की वैल्यू 16 लिख दिए इंटू 16 माइनस ए, ए कितना है 11, फिर इंटू 16 माइनस बी, बी कितना है 15, फिर इंटू 16 माइनस सी, सी कितना है 6, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ ऐसा मिलेगा 16 में से 11 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 5, और जब 16 में से 15 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 16 में से 6 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। फिर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसको यहीं पे फैक्टराइज करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और उससे उसकी हेल्प से हम उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 16 को देखिए लिख सकते हैं 5 को लिख सकते हैं सिर्फ 5, और 1 का कोई मतलब नहीं है, लिखना चाहो तो लिख दो। उसके बाद क्या है 10 2
क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वो हमेशा मीटर स्क्वायर में लिखी जाती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है वो पांचवा क्वेश्चन, पराग के त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 संबंध 17 संबंध 25 है और उसका परिमाप 540 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भुजाएं डायरेक्ट आपको नहीं दी हैं, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर भुजाओं का अनुपात दिया है। ठीक, तो और परिमाप भी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे उस अनुपात और परिमाप की हेल्प से, अनुपात और परिमाप की हेल्प से, सहायता से हम इसकी भुजाओं को पता कर लेंगे। जब भुजाएं मिल जाएंगी तो उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकेगा हीरोन्स के फार्मूला का प्रयोग करके। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर जो चीज़ नहीं दिया है उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, क्या माना त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, देखिए जो अनुपात है उसी के साथ कोई एक वेरिएबल रख देंगे, कोई एक चर रख देंगे, क्या हो जाएगा, मान लेते हैं क्या 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 है, 12x 17x और 25x ये जो है इसकी भुजाएं हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, परिमाप दिया था, पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा, तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं, कितना आना चाहिए 540 आना चाहिए, तीनों भुजाओं को जोड़ते कितना आना चाहिए 540, तो कितना हो गया 5, 7, 12, 14 तो 3, 2, 5 यानी 54x आ गया, 54x की वैल्यू कितनी आ गई 540, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 10 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो पहली भुजा मिल जाएगी, उसमें रखेंगे दूसरी और उसमें रखेंगे तो तीसरी भुजा मिल जाएगी, तीनों भुजाएं निकाल लेते हैं क्या आ जाएगा, इसलिए पहली भुजा a बराबर क्या 12 × 10 बराबर 120, दूसरी भुजा मैंने माना कि ये b है, कितना आ जाएगा 170, उसके बाद तीसरी भुजा क्या आएगी, तीसरी भुजा क्या है c बराबर कितना 25 × 10 25 × 250। देखिए क्योंकि अनुपात सेंटीमीटर जो है परिमाप जो सेंटीमीटर में है, इसका मतलब कि भुजाएं भी किसमें होंगी, सारी भुजाएं सेंटीमीटर में होंगी। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हमें एक चीज और निकाल लेना है, और वो क्या निकाल लेना है, यस यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, परिमाप 540/2 कितना हो जाएगा, 2 × 4 = 270 सेंटीमीटर का यस की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, अब हम यस मिल गया, ए बी सी मिल गया, तो हम यहाँ पर आसानी से हीरोज का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो हीरोज के सूत्र का यहाँ पर हम प्रयोग करने जा रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको देखिए। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इस साइड की चीज़ें मैं यहाँ पे जो है रेस कर रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके जो है इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे की चीज़ें मैं आपके यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, जो उसके बाद इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट यस यस मतलब 270 इंटू यस माइनस 270 माइनस ए, ए कितना आएगा, ए अभी हम लोगों ने निकाला था 120 आएगा। ठीक, उसके बाद यस माइनस बी, बी हम लोगों ने निकाला था 170 उसके बाद सी हम लोगों ने निकाला था 270 माइनस जो है 250 ये निकाला था। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए अंडर रूट 270 ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई 270 में से 120 निकल गया, देखिए कितना बचा
270 में से 250 लिखा तो सिर्फ बचा क्या 20 बचा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मिलने जा रहा है हमसे, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा अंडर रूट। देखिए अब यहाँ पर 270 को हमको जो है हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, इसका फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज करने के बाद क्या मिलेगा, देखिए हम इसको 10 में पहले तोड़ रहे हैं, इस देखिए इसमें किसमें 10 में 2 27 × 10 इसको लिख रहे हैं 15 × 10 और इसको लिख रहे हैं क्या 10 × 10 यानी 1 2 3 4 और उसको लास्ट में 20 है, इसको अभी यहाँ पे रहने देते हैं, याद लीजिए। अब इसको थोड़ा और ब्रेक करते हैं जो है, इसके बाद देखिए क्या मिलेगा, इसको लिख सकते हैं 9 × 3 = 27 3 × 3 × 3 3 × 3 = 27 10 को 4 बार इसको मैं लास्ट में लिखूंगा, ये चारों को जो 10 है उसको मैं लास्ट में लिखूंगा, तो जो 15 में कर सकता हूँ 3 × 5 = 15 ठीक। 1 10 2 10 3 10 4 10 को भी छोड़े रहते हैं, 20 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 × 4 = 25 ये लिख सकते हैं 2 × 4 = 25। अब उसके बाद बचा क्या 10 को 4 × 1 2 3 4 चारों 10 भी रख देते हैं 10 × 10 × 10 × 10 रख दिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए इसका पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, 2 का भी एक पेयर बन गया, और 5 का भी एक पेयर बन गया, 10 का एक पेयर और इसका भी एक पेयर। अब हर पेयर से हम क्या करेंगे, एक बाहर कर लेंगे, हर पेयर से क्या करेंगे एक बाहर करेंगे, बाहर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, तो यहाँ से क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा क्या चीज, ऐसे मिल जाएगा सीधा सीधा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या मिलने जा रहा है, देखिए एक पेयर वहां से बाहर के एक 3 निकल आया, इससे फिर इससे एक 3 बाहर कर लिए, ठीक, फिर यहाँ देखिए 5 पेयर बना है, 5 में बाहर कर लेते हैं, और उसके बाद देखिए 2 है, 2 को बाहर कर लेते हैं, और 10 का 2 पेयर है तो × 10 × 10 कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से अंडर रूट का साइन अब हट गया, अंडर रूट का साइन यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, तब तो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये मिलेगा क्या, ये मिलेगा 9 9, उसके बाद देखिए 5 × 10 19 इस पर, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले जो है पार्ट के लिए हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।